तो दोस्तों कैसे हो, वेलकम बैक टू नॉस्टैल्जिक स्टोरीज और मैं हूँ सौम्यदीप मंडल, आपका प्रिय नरेटर। आज की कहानी है सत्यजीत राय की लिखी गई बादशाही अंगूठी पार्ट 8। हरिद्वार पहुंचने के लिए हम सबको ड्यून एक्सप्रेस में चढ़ना पड़ता है। लखनऊ के शाम को ये गाड़ी निकल पड़ती है स्टेशन से और हरिद्वार जाके पहुंचती है 4 बजे। लखनऊ में आने के पहले जब हमने ये प्लान किया था कि हम हरिद्वार ही घूमने जाएंगे, तब मैं बहुत खुश हुआ था क्योंकि एक पुरी के अलावा मैंने ऐसा कोई भी तीर्थ स्थान में नहीं गया हूँ। लेकिन लखनऊ में आने के बाद वो अंगूठी चोरी होना और फेलुदा के ऊपर लगातार दबाव देना, ये सब जानने के बावजूद मुझे लखनऊ छोड़ने का और मन नहीं कर रहा था। लेकिन फेलुदा को मैंने देखा, वो तो एकदम खुश ही है, उनको जैसे कोई दुख ही नहीं या फिर कोई टेंशन ही नहीं कि वो अंगूठी किधर है, किसके पास रहेगा, कैसे रहेगा, क्या वो बेच दिया गया है, कुछ भी नहीं। फेलुदा ने मुझसे कहा, हरिद्वार, ऋषिकेश और लक्ष्मण झूला, ये तीनों को एक साथ देखने में कैसा अच्छा लगता है वो तू सिर्फ बाद में ही महसूस कर सकता है तुपशे, क्योंकि तीनों जगह में गंगा अलग अलग है। तू जैसे ही उत्तर की तरफ बढ़ने लगेगा वहां देखेगा कि नदी का फ्लो प्रेशर बहुत हाई है और लक्ष्मण झूला में पहुंच कर तो देखेगा एकदम पहाड़ी नदी, वहां तो इतना बहाव है कि बात भी नहीं सुनाई देता ठीक से। मैंने पूछा, तुमने ये सब तो देखे ही रहोगे ना फिरदा? वही, जब लखनऊ में मैं क्रिकेट खेलने आया था तभी सब देखकर मेरा हो चुका है। लेकिन धीरू काका लास्ट तक हमारे साथ नहीं आ पाए, लेकिन वो खुद गाड़ी को चलाकर हम सबको स्टेशन तक छोड़ने आए। अंदर बैग रखते ही रखते हमारे कमरे में एक और जन आ गए और वो है डॉक्टर श्रीवास्तव। मुझे भी यही लगा था कि वो भी धीरू काका की तरह यहाँ हम सबको सी ऑफ देने के लिए आए हैं, लेकिन फिर तो देखा वो कूली के सर से अपने लगेज उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि धीरू बाबू को पहले से ही मालूम था वो हमारे साथ आ रहे हैं और हमको सरप्राइज देने के लिए ही यहाँ पे मौजूद हो गए। मेरे पिताजी ने कहा, बहुत अच्छा ही हुआ आप इधर आ चुके हो, वैसे मैंने ये सोचा भी नहीं था आप इधर मौजूद होंगे। डॉक्टर श्रीवास्तव अपने सीट पर एक बार पोछा लगा कर वहाँ पे बैठ के कहे, देखो वो बहुत दिन से हम सब बहुत टेंशन और झमेले से गुजर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा क्यों नहीं एक छोटा सा ट्रिप ले लिया जाए। इतने ही देर में हमारे पास वन बिहारी बाबू भी आ पहुँचे हैं। वो घुसकर ही कहे, अब हल्ला देखने लायक होगा, पवित्र नंद महाराज अभी इधर से चले जाने वाले हैं, तो उसके चेले चवेले देखो ना कैसे इधर आए हैं उसको सी ऑफ देने के लिए। अभी देखने के लिए तो सिर्फ भक्ति का भाव है। और सच में थोड़ी ही देर में हमने देखा कि बहुत से लोग माला, फूल और छोटे छोटे चीज़ें लेकर हमारे ट्रेन के पास आ पहुँचे हैं और उनमें से ही एक मोटा गेरुआ पहना हुआ एक साधु बाबा हमारे ही सामने के फर्स्ट क्लास एक गाड़ी में चढ़कर बैठे हैं। उसमें मैंने देखा कि बहुत से गेरुए पहने हुए साधु उनके साथ सफ़र करने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं और जितने भी गेरुआ नहीं है या फिर बहुत से लोग हैं वो सब हमारे कमरे में भीड़ करके खड़े हुए हैं। मेरे पिताजी और धीरू काका जब वो खिड़की के बाहर थे तब रुककर बात कर रहे थे कि अचानक एक साधु बाबा आकर उनके गले में हाथ रख कर कहे, अरे धीरू है ना? धीरू काका कुछ देर चुप उनके तरफ देखते रहे, फिर अचानक से कहकर दौड़ पड़े, अरे अंबिका तू, और फिर दौड़कर उनको गले लगा लिए। वो कहने लगे, अरे धीरू, मैं 2 दिन पहले तेरे घर आया था, तू किधर था रे? मैं कितने देर तक तेरे लिए रुका। धीरू काका ने उसका क्या जवाब दिया वो हमें नहीं सुनना पड़ा क्योंकि तब तक ट्रेन छूट चुका था और हम धीरू काका से काफ़ी दूर आ चुके हैं। हम सब चुप बैठे रहे। मुझे ये समझ में आ चुका था कि फेलुदा बहुत परेशान है क्योंकि हम दोनों ही
उसी साधु बाबा का खोज करते करते एकदम स्टेशन तक आ पहुंचे थे। तो अगर समझो ये चोर नहीं है तो उस दिन वो अटैची केस लेकर कौन था साधु बाबा? आज हम जिसको देखे वो तो कोई नकली साधु बाबा नहीं है, वो तो एकदम असली ब्रह्मचारी है। तो फिर उस दिन वहाँ कौन था? कौन चेंज करकर साधु बाबा से एक आम आदमी वापस बनकर निकला है? तो अगर ये सोच ले कि वो कोई और आदमी था, तो क्या अब भी वो धीरू काका के घर के आजू बाजू में ही है या हमारे साथ इसी ट्रेन में सवारी कर रहा है? तो फिर क्या उसका मकसद अंगूठी है या और भी कुछ? इतने ही देर में वन बिहारी बाबू अचानक डॉक्टर श्रीवास्तव से पूछे, अच्छा डॉक्टर श्रीवास्तव, जब प्यारी लाल को हार्ट अटैक आया था तब आपको ही क्यों उसने बुलाया? उसका फैमिली फिजिशियंस तो कोई और था, लेकिन आप ही क्यों? तभी डॉक्टर श्रीवास्तव ने अपना बुक को नीचे रखकर कहा, क्योंकि उसका फिजिशियन बाहर गया था और उस जगह में तभी मैं ही अवेलेबल था, इसीलिए शायद से मुझको बुला लिया। अच्छा चलो इतना मान ही लेते हैं। उस दिन घर में आपके अलावा और कोई नहीं था? नहीं, जहाँ तक तो याद आता है कोई नहीं था। अच्छा, और ये एक मामूली सा रोग ठीक करने? देखो वन बिहारी बाबू, क्या आप हम पर शक कर रहे हो? नहीं नहीं, शक की बात रही है, ये तो सिर्फ एक मामूली पूछताछ है आपसे। वैसे जानना था कि आपको ही क्यों दे सकता है। अभी मेरे पास कुछ पॉसिबिलिटीज है, जिनमें से एक है कि आपने तो उस अंगूठी को तो नहीं चुराया ना? आपके घर में डकैत आया और आपका अंगूठी लेने का कोशिश किया और आपने सोचा कि क्यों नहीं एक काम करते, उस अंगूठी को किसी भी तरह इनके पास पहुंचाना है और जब उसको चोरी कर कर हम अपने पास रख लेंगे तब सबको ये खौफ रहेगा कि सच में चोरी हो चुका है और कभी शक भी नहीं रहेगा। ओह माय गॉड, आप कहना क्या चाहते हो? आसान भाषा में कि पूछ रहा हूँ, आपने कहीं तो नहीं लिया ना? इन्हीं सब बातों के बीच में अचानक फेलुदा कह उठे, ये चोरी उन्होंने नहीं किया है, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। कुछ देर के लिए हम वापस सब चुप। वन बिहारी बाबू ने कहा, और इसका पक्का सबूत क्या है? तब फेलुदा ने कहा, वो मैं असली जगह पर आकर ही कहूंगा, अभी फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं। और इसके बाद हम सब चुप बैठे थे। काफी देर तक फेलुदा और मैं दोनों किताब पढ़ने लगे, डॉक्टर श्रीवास्तव सो गए, साथ ही वन बिहारी बाबू भी। बीच में ट्रेन एक जगह पर रुकी थी, वहां पर मैं और फेलुदा दोनों उतरे जिससे हम दोनों चाय पी पाए। दोनों ने दोनों चाय लिया और बातें करने लगे। मैंने फेलुदा से कहा, फेलुदा डॉक्टर श्रीवास्तव किसी भी तरह गिल्टी नहीं हो सकते, उनका चेहरा देखकर ही समझ में आता है। फेलुदा ने कहा, तो फिर आज ही घर जाकर तूने जितने भी डिटेक्टिव नोवेल्स पढ़े हैं सबके सब फेंक दे, कोई काम का नहीं। क्यों? तो फिर तू क्या सीखा? असलियत में हर जगह ये देखा जाता है कि जो सबसे नादान दिखता है वही सबसे बड़ा शैतान है, और जो ज्यादा शैतान दिखता है वही कुछ भी नहीं किया रहता है। और इतने ही देर में फेलुदा और भी कुछ कहने वाले थे कि अचानक एक उड़ता हुआ कागज फेलुदा के चाय के ऊपर आकर गिरा। फेलुदा और मैं दोनों जोर जोर से भागने लगे, यहाँ वहाँ जहाँ दिखे, लेकिन कोई शक के दायरे पर आया ही नहीं। हम वापस ट्रेन पर चढ़ गए क्योंकि वो निकलने ही वाला था। हम ट्रेन के दरवाजे पर खड़े होकर ही जोर जोर से सांसें लेने लगे। मैंने जैसे ही पूछा फेलुदा को कि उस कागज पे क्या लिखा है, फेलुदा ने वही पुराने शब्द वापस दोहराए, खूब होशियार, इसका मतलब तोपचे,
हम अकेले नहीं है, हम मुसीबत को साथ लेकर ही चल रहे हैं। इतने देर तक आप सुन रहे थे बादशाही अंगूठी पार्ट 8। दोस्तों, और लास्ट के दो ही पार्ट बचे हैं पूरे कहानी को खत्म करने के लिए, और दिवाली भी पास ही है। सो गाइस, जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए वो भी प्लीज 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 कर दीजिए, और साथ ही लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक स्टे ट्यून्ड।